तो प्रूफ है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था कि अगर तीन एक्सेस हैं और दो एक्सेस प्लेन में है और तीसरा आउट ऑफ प्लेन है जेड एक्सेस, तो जेड के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई के सम के इक्वल होते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए प्लीज़ ये डायग्राम को ड्रॉ करें और ताकि मैं इसका प्रूफ आगे कर सकूं। कोई भी एक बॉडी को ड्रॉ कर लेते हैं, ये लो, तो ड्रॉ करो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। बनाए डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करें कॉपी में। ठीक, अब इसके अंदर तीन एक्सेस हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर मैं इसमें निकालूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंट आएगी, वाई एक्सिस के अलोंग डिफरेंट आएगी और जेड के अलोंग डिफरेंट आएगी, क्योंकि सभी पार्टिकल की दूरी एक्स से डिफरेंट है, वाई से डिफरेंट है एंड जेड से डिफरेंट है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल है एम वन जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, ऐसे एम वन जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन। तो अगर मैं ये बोलूं एक्स वन वाई वन को प्लॉट करें, तो आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। ये डिस्टेंस अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लूं वाई एक्सिस से, तो बोलो ये डिस्टेंस क्या है, एक्स वन है कि वाई वन है? ये डिस्टेंस एक्स वन है कि वाई वन है? एक्स वन है। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितने है, एक्स वन की वाई वन? वाई वन, देखो सही है। एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है वो इसके पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस पे क्या कहलाएगा, वाई वन। तो फिर ये भी क्या होगा, वाई वन। और यहां से यहां एक्स एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन। तो फिर ये भी क्या होगा, एक्स वन। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? सही है। अब अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दे सकते हो, क्योंकि एम वन इज अ पॉइंट मास, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किस एक्सिस में निकालना है, एक्स में। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे देखेंगे, एक्स से। तो इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, वाई वन। इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, वाई वन। तो फिर क्या बनेगा, एम वन इंटू वाई वन स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, एम वन इंटू वाई वन स्क्वायर। ऐसी अगर मैं दूसरा पार्टिकल लूं, लिया नहीं पर अगर लें, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एम टू इंटू वाई टू स्क्वायर। ऐसी करते करते एम थ्री वाई थ्री स्क्वायर, एम एन वाई एन स्क्वायर। तो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स में पूछा तो आप कोऑर्डिनेट किस में लेंगे, वाई में। एक्स मत ले लेना क्योंकि एक्स पूछा है, क्योंकि आपने क्या देखना है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब अगर आप इसे समेशन में लिखें, समेशन मैथ्स, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम आई या एम एन, क्या लिख सकते हैं, एम आई। समेशन का मतलब एडिशन है, तो आई कहां से कहां चल रहा है, वन से लेके एन तक। और ऐसी वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर वाई थ्री स्क्वायर वाई फोर स्क्वायर की जगह वाई आई स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर वन। तो एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है, तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्स से लें, तो एम वन एक्स वन स्क्वायर एम टू एक्स टू स्क्वायर एम थ्री एक्स थ्री स्क्वायर कर करके एम एन एक्स एन स्क्वायर, तो ये टर्म आ गई। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं कि मेरे को
वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये मेरा वाई एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है, एक्स वन, तो आंसर क्या आएगा, एम वन इंटू एक्स वन स्क्वेयर, एम टू इंटू एक्स टू स्क्वेयर, एम एन इंटू एक्स एन स्क्वेयर, सही है। एंड समेशन की फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो सिग्मा एम वन एम टू एम थ्री एम एन की जगह एम आई, एक्स वन स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर की जगह एक्स आई स्क्वेयर, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। तो लिख लें इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। तो ये पॉइंट क्लियर है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, वाई के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और अगर मैं इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड करूं, लेकिन ऐड करने से पहले मेरे को एक चीज़ का आंसर और दें, ये आपका जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस की ये दूरी कितनी है, जेड वन, तो इस प्लेन में दिस इज जेड वन। और एक और भी चीज़, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हर बॉडी पर नहीं लगती, स्फेयर पे नहीं लगती, थ्री डी बॉडीज पे नहीं लगती, ये हमेशा किस पे लगती हैं, टू डी बॉडीज पे लगती हैं, और टू डी बॉडीज को क्या बोलते हैं, लैमिना। तो ये बॉडी कौन सी होगी, इसमें लैमिना, जैसे शीट, शीट इज अ लैमिना, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जेड वन है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे एक चीज बताएं, जेड वन स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, जेड वन स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर, ऐसे z2 स्क्वायर किसके इक्वल है, x2 स्क्वायर एंड y2 स्क्वायर, ऐसे करते करते zi स्क्वायर क्या होगा, x i स्क्वायर प्लस y i स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है यहां तक, तो ये भी लिख ले, तो zi स्क्वायर किसी भी पार्टिकल के लिए कैन बी रिटन एज x i स्क्वायर प्लस y i स्क्वायर। ठीक, अब आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को ऐड कर दें, एडिंग वन एंड टू, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू सिग्मा, एम आई कॉमन आ गया, एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, सिग्मा एम आई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, लेकिन एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, जेड आई स्क्वायर, तो आप यहां पे लिख लें आई एक्स एक्सिस आई वाई एक्सिस इज सिग्मा एम आई जेड आई स्क्वायर, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन, तो आई एक्स एक्सिस आई वाई एक्सिस, एक बात बताओ, इसे ओपन करो, ओपन करके क्या आएगा, एम वन जेड वन स्क्वायर, एम टू जेड टू स्क्वायर, एम थ्री जेड थ्री स्क्वायर, इसको ऐड करके क्या बनेगा, आई जेड एक्सिस। तो यही तो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो आउट ऑफ प्लेन एक्सिस होगा जेड एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो इन प्लेन एक्सिस के मोमेंट इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, और हमने इसको यूज करना सीखा भी था, पर ये यूज करने की बात नहीं, ये कहां से आया, ये प्रूफ है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसका कैसे प्रूफ करना है,
डाउट इसमें, जब ये पेपर में आएगा तो स्टेट एंड प्रूफ आएगा, तो स्टेटमेंट साथ साथ लिख लो, ये स्टेटमेंट लिख लो साथ में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, लैमिना लिखना जरूरी है, ऑफ एनी शेप एंड साइज अबाउट जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट को नोट कर लें प्लीज साथ में साथ।